मैं दुर्गेश जायसवाल, मेरे YouTube चैनल e-learning विद दुर्गेश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल को या किसी चैनल को चलाने के लिए केवल एक अध्यापक जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए अन्य ढेर सारे स्पेशलिस्टों की एक टीम चाहिए थी। दोस्तों, मैंने आप सभी के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचरों का एक कलेक्शन करना मैंने शुरू किया है, जो मुझे लगता है कि आपको बेहतर तरीके से गाइड करेंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपके सामने एक अनोखा हीरा लेकर आया हूँ, जिसका नाम है मोहम्मद सरफराज। यह अभी बीए थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, जो आपके लिए एक कौतूहल सा लगेगा या एक विचित्र सा प्रतीत होगा, लेकिन यह बालक की यदि प्रतिभा की बात करेंगे तो शायद प्रतिभा के इसकी देखने के बाद हम और आप दोनों ये सोचेंगे कि मैं इसके जैसा क्यों नहीं। और यह बालक ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में जौनपुर से ही है, और खासकर यह इसकी जो परवरिश हुई है एक तरह से देखा जाए इसके सब्जेक्ट से, तो मेरे ही देखरेख में हुई है, क्योंकि मैं इस चैनल को चलाने से पहले अपने यह छोटा सा गुरुकुल चलाया हुआ था। उस गुरुकुल की खासियत थी कि जितने भी गांव के लड़के ऐसे थे जिन्हें को लोग कहते थे कुछ नहीं कर पाएगा, वो मेरे साथ जुड़े और 5 वर्षों के अथक परिश्रम के बाद आज वह उस गुरुकुल के बगिया से जो फूल निकल रहे हैं वो मुझे ऐसा प्रतीत होता है भविष्य में उस फूल से समूचा भारत महकेगा। तो आज हम उनसे, मोहम्मद सरफराज जी से, आपको भारत का भूगोल पढ़वाएंगे, और इस भूगोल में वह आपको 50 से 60 क्रमशः वीडियो जो उपलब्ध कराएंगे, जो कि भारत की किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, और मेरी ये गारंटी, मेरा यह दावा है कि वह उससे बेहतर बहुत सारे लोग पढ़ाते होंगे, पढ़ाए होंगे, लेकिन वह उनका भी पढ़ाया किसी से कम नहीं होगा, इक्वल जरूर होगा, लेकिन मुझसे ज्यादा बेहतर आप जज करेंगे कि वह बेहतर पढ़ाते हैं अथवा नहीं। आज मैं आपसे उन्हें मुलाकात कराता हूँ, मोहम्मद सरफराज जी से, जो आपको पढ़ाएंगे भारत का भूगोल। आइए सरफराज जी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दुर्गेश सर ने आपको हमारे बारे में बताया, दुर्गेश सर ने जो कुछ भी बताया, आपने जो कुछ भी सुना, मैं उसे सर्च करूंगा, और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको जितने भी वीडियो अपलोड कराऊंगा, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनसे लगभग 95% क्वेश्चन आपको मैच करेंगे जो भूगोल से पूछे जाएंगे। और रही बात ज्ञान के मामले में, तो ज्ञान के मामले में उम्र की सीमा मान्य नहीं रखती, और मैंने इस हीरो को खोद कर इसलिए लाया ताकि हमको और आपको एक सीख मिले, एक मिसाल मिले कि मुझे भी इनके जैसा बनना है। तो आप भी अपने आप में यूनिक है, हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, लेकिन वह अपने यूनिक, वह अपना जो प्रकाश पुंज होता है उसे जागृत करना, उसे जगा कर रखना ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। आज से इनकी पहली वीडियो शुरू होगी, और ये अपने लाइफ का पहला वीडियो, जिसे कह सकते हैं जो पहला टेलीकास्ट करेंगे, जो पहला वीडियो जो अपलोड होगा वह हमारे चैनल e-learning विद दुर्गेश होगा। इसलिए इसमें शुरुआत में एक दो कमियां रहेंगी या कुछ कमियों के साथ इनका आगाज होगा, लेकिन प्रयास करेंगे कि ये कमियां ना रहे, उन कमियों का मूल्यांकन करिएगा, और क्योंकि कमी व्यक्ति को एक विशेष दर्जे का एक इंसान बनाती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कमियों का सही मूल्यांकन कर पाता है वही जिंदगी में कुछ बेहतर कर पाता है। क्योंकि मुझे खुद ही गलतियां करके सीखना, चाहे उम्र कम पड़ जाती है, कभी कभी दूसरों गलतियों से सीखना पड़ता है। तो मोहम्मद सरफराज आपके लिए भारत की भूगोल की पूरी स्लाइड तैयार करके रखे हुए हैं, फिर जल्द ही आप सभी के सामने आएंगे और भूगोल की पूरी स्लाइड पढ़ाएंगे, और मैं इस बात का दावा करता हूं कि किसी से खराब नहीं पढ़ाएंगे, और इसके लिए आप देखिएगा, और अगर आपको बेहतर लगे तो अपने साथियों को, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि मेरी आत्मा, मेरा हृदय कहता है कि जितने भी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल बना रहे हैं इनसे बेहतर कोई नहीं होगा। उम्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि शायद थर्ड ईयर माने बीए थर्ड ईयर के में रहने वाला अगर कोई व्यक्ति जियोग्राफी जैसे सब्जेक्ट में इतनी अच्छी पकड़ रखता हो, मैं इस बात को, इनके ज्ञान को लोहा मानता हूं, और मैं इनसे जब बात किया, क्योंकि मेरे ही साथ रहे हैं, मेरे साथ रहे हैं, इन्होंने इत छोटी उम्र में भूगोल की वो किताबों का अध्ययन किया होगा जिन किताबों का भी उन्हें नाम नहीं सुना होगा। बस इनका एक ही लक्ष्य है कि पहली बार में UPSC अपने कदमों में। तो हम भगवान से, ईश्वर से दुआ करते हैं कि इनका यह इरादा इसी तरह बना रहे, इनका मनोबल इसी तरह बढ़ता रहे, और जरूर एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे, और अपना, अपने परिवार का और इस चैनल का नाम रोशन करते हुए हमसे जुड़े हुए और इनसे जुड़े हुए सभी प्रतियोगी भी सफल होंगे, और कहीं ना कहीं आप सबके अंदर वो चीजें हैं, बस आपको जगाना है। और इनको मैं इससे लेकर आया हूँ, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा, क्योंकि ये अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट देने कगार पे खड़े हैं, और मैं ये आशा करता हूँ ये अपनी जिंदगी का बेस्ट देंगे। अभी तो आपको लगता होगा कि क्या बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन ये बातें तब छोटी जैसे प्रतीत होंगी जब ये पढ़ाना शुरू करेंगे और हम आप पढ़ना शुरू करेंगे, और ज्ञान के
के मामले में पुनः बताऊंगा, उम्र की सीमा मायने नहीं रखती, मायने रखता है सिलेक्शन, और सिलेक्शन की जिम्मेदारी इनकी रहेगी। और प्रश्न की बात तो जो पढ़ाया जाएगा, ये भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, जो भी प्रश्न होंगे अगर भारत के भूगोल से प्रश्न आएंगे तो 90% इनके पढ़ाए हुए नोट से जरूर आएंगे, क्योंकि वो सारे नोट्स आपको उपलब्ध होंगे टेलीग्राम चैनल इलर्निंग विद दुर्गेश, फेसबुक पेज इलर्निंग विद दुर्गेश पे। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इनका हौसला अफजाई करते रहिएगा, इनकी कमियों का मूल्यांकन करते रहिए ताकि सुधार करते रहे। 2 से 3 वीडियो के बाद सुधार करने के बाद पुनः जब आपके सामने मुखाबित होंगे, आपके सामने होंगे, तो मुझे लगता है कि अपने सबसे बेस्ट तरीके से सामने होंगे और आप भी इनको लोहा मानेंगे। और मेरी सभी साथियों से ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप सभी लोग इसी तरह हीरे तलाशते रहें, और भविष्य में भारत को जो विश्व गुरु देखने का सपना है वह जरूर सफल होगा। बस आप जैसे लोग और इनके जैसे लोग इसी तरह लगातार मेहनत करते रहे, और जिस धरती पे हम खड़े हैं उसका नाम है सिराजे हिंद। तो कभी बताएंगे सिराजे हिंद की कहानी, और इस सिराजे हिंद को यह नाम रोशन जरूर करेंगे, क्योंकि सिराजे हिंद का एक जिला है जिसका नाम है जौनपुर, इसका उपनाम है सिराजे हिंद, और इसका एक गाँव है जिसका नाम है माधवपट्टी। आप गूगल पे माधवपट्टी, यूट्यूब पे कहीं भी देखिएगा, माधवपट्टी एक गांव है हमारे गांव से थोड़ा सा दूर। उस गांव की खासियत है इसे आईएएस की जननी कहा जाता है, एक एक घर से 4-4 आईएएस और हर घर से एक आईएएस है। हम उस जिले से बिलोंग करते हैं जो हीरे संवारते हैं, जहाँ हीरे ऐसे हीरे निकलते हैं जो पूरे विश्व को प्रकाशित करते हैं, पूरे भारत को प्रकाशित करते हैं, पूरे भारत की बात करते हैं, प्रत्येक राज्य में हमारे इस जिले से जरूर कोई ना कोई आईएएस जरूर होगा। तो उसी कदम पर चलते हुए मोहम्मद सरफराज भी एक दिन निकलेंगे और इस सिराजे हिंद की पावन धरती का नाम रोशन करेंगे, और उस विजय गाथा में अपना भी नाम दर्ज कराएंगे, साथ में आपका भी। आप सभी साथियों को मेरी तरफ से ढेर शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।